1950 में आज ही के दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था। भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से वो एक थे। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद पहले 3 वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री रहे। देश की आजादी के बाद करीब 500 से भी ज्यादा देसी रियासतों का एकीकरण एक बड़ी समस्या थी। कुशल कूटनीति और जरूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप के जरिए सरदार पटेल ने उन अधिकांश रियासतों को तिरंगे के तले में लाने में सफलता प्राप्त की। इसी उपलब्धि के चलते उन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत वल्लभ भाई पटेल को साल 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। 1961 में आज ही दिन नाजी तानाशाह अडोल्फ हिटलर के यहूदी नरसंहार में व्यवस्थित कत्लेआम के आयोजक अडोल्फ आइशमैन को मौत की सजा सुनाई गई थी। आउशविट्स का यातना शिविर कैदियों को यातना देने और मारने का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक केंद्र था, जहां नाजियों ने अपनी हत्यारी व्यवस्था को तराशा। अडोल्फ आइशमैन जर्मन राइश के सुरक्षा मुख्यालय में यहूदी मामलों के विभाग का प्रमुख था, जो कुख्यात नाजी संगठन SS के अधीन था। सोवियत सेना से युद्ध के अंत में अडोल्फ वेटिकन की मदद से भागकर अर्जेंटीना चला गया। साल 1960 में इजरायली खुफिया सेवा ने उसे खोज निकाला और उसका अपहरण कर इजरायल ले गए। वहां अडोल्फ पर मुकदमा चलाया गया और उसे यहूदियों के कत्लेआम का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। साल 1962 में अडोल्फ आइशमैन को फांसी दे दी गई। 1973 में दिन अरब इसराइल के चलते अरब तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने अमेरिका को तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था और साथ ही कई ऐसे कदम उठाए थे जिसकी वजह से तेल की कीमतें $3 प्रति बैरल से बढ़कर अचानक $11 प्रति बैरल तक जा पहुंची। इस घटना के बाद अमेरिका ने भी अपने यहाँ वाहन चालन की गति सीमा कम कर दी। नए आदेश के बाद कई राजमार्गों पर गति सीमा 96 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी। इसी तरह से कुछ और मार्गों पर गति सीमा को 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया। इससे पहले वाहन चालक अधिकतम सभी मार्गों पर 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक गाड़ी चला सकते थे। निर्धारित गति से तेज गाड़ी चलाते पाए जाने पर लगने वाला जुर्माना भी बढ़ाकर £100 कर दिया गया। 2001 में आज ही के दिन 11 सालों तक बंद रहने के बाद इटली में पीसा की मीनार को जनता के लिए फिर से खोला गया था। पीसा की विश्व प्रसिद्ध मीनार अपने निर्माण के समय से ही झुकती रही है। साल 1990 में एक विशेषज्ञ टीम ने इसके झुकाव को थोड़ा कम करने का बीड़ा उठाया। 11 साल और $2.7 करोड़ लगाकर इसे मजबूत किया, जिसके बाद इसे जनता के लिए फिर से खोला गया। 12वीं सदी में फ्लोरेंस से करीब 50 मील की दूरी पर पीसा की मीनार बनाने का काम शुरू हुआ था। निर्माण कार्य के दौरान ही इसकी एक ओर की नींव दलदली जमीन में धंसने लगी। इंजीनियर्स ने समस्या से निपटने के लिए मीनार के टॉप फ्लोर को एक ओर से ज्यादा ऊंचा बनाया। साल 1360 में जब मीनार बनकर पूरी तैयार हुई, तब भी काफी झुकी हुई थी। 20वीं सदी तक आते आते यह 190 फुट ऊंची सफेद संगमरमर की इमारत बहुत ज्यादा झुक गई। उस वक्त इसके पूरी तरह ढह जाने का खतरा काफी बढ़ गया था। इसकी मरम्मत के लिए अधिकारियों ने मीनार की नींव के पास से मिट्टी को हटाकर इसके झुकाव को 16 से 17 इंच तक कम करने में कामयाबी पाई। इंजीनियर्स का दावा था कि वापस 1990 के झुकाव तक पहुंचने में अभी कम से कम 300 साल लगेंगे। और 2004 में आज ही एक दिन ब्रिटेन के गृह मंत्री डेविड ब्लैंकेट को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी एक पूर्व प्रेमिका के बच्चे की आया को वीजा जल्दी दिलाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। अपने इस्तीफे में ब्लैंकेट ने दोहराया कि उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है, लेकिन उनकी ईमानदारी पर उठे सवालों से सरकार की छवि प्रभावित हुई है। ब्लैंकेट ने दावा किया कि उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ से भेजी जा रही ईमेल में लिखा गया था, कोई अलग से फायदा ना पहुंचाएं, बस काम जरा तेजी से निपटा दें। यह ईमेल उनकी पूर्व प्रेमिका के बच्चे के लिए ब्रिटेन में आने वाली आया के आवेदन के संदर्भ में भेजा गया था। टोनी ब्लेयर सरकार के लिए इस विवाद का सामने आना एक झटका था, क्योंकि चंद ही महीनों में चुनाव आने वाले थे। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और विपक्ष ने ब्लैंकेट की ईमानदारी की तारीफ की।